वो बताओ भाई, क्या लगता है तुम लोगों को कि चैट जीपीटी से क्या मुकाबला है तुम लोगों का? एक जनरल से सवाल है, वो एक साफ मिसाल दे रहे थे चेस की, वो जो अभी उसने है ना कि पेपर से बना के दिया और वो उसने सामने से HTML का पेज बना के दे दिया, वायर फ्रेम पेपर पे वायर फ्रेम बना के दिया बंदे ने और कैमरे के थ्रू, और उसने सामने से HTML का पेज बना के दे दिया। चैट GPT-4 की बात हो रही है। तो चेस, जब AI ने चेस खेलना शुरू किया था ना आज से 10 साल पहले, तो बहुत बेसिक सा था वो, लेकिन आज 10 साल के बाद ना ह्यूमन AI को बीट नहीं कर सकता चेस में। अच्छा, चेस भी पुरानी बात हो गई, एक और गेम होता है स्कूडू कहते हैं, मेरे ख्याल क्या पता नहीं क्या कहते हैं स्कूडो, पत्थर वाला गेम होता है, वो लाइन से पत्थर रखते हैं। चेस से भी ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी, चेस से भी बहुत ज़्यादा है उसमें, उसमें भी ह्यूमन AI को बीट नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने पता नहीं कितने ट्रिलियन पॉसिबिलिटी बनती है वो सारी उसको पता है AI को, AI के लिए कोई मसला थोड़ी है, उसको अब बीट नहीं कर सकता उसको। तो अभी जो वायर फ्रेम से वो बना रहा है ना HTML का पेज, तो वो अभी तो भद्दा बनाया है उसने, लेकिन आज से कुछ दिनों बाद वो बनाएगा बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, और इतना अच्छा बनाएगा, मैं ये बात कह रहा हूँ आपको, इतना अच्छा वेब पेज बनाएगा वो कि ह्यूमन वैसा बना ही नहीं पाएगा, और बना भी रहा है फ़ौरन ना, 5-10 मिनट तो नहीं ले रहा वो, ह्यूमन कम से कम 5-10 मिनट तो लेगा ना, वैसे तो पूरा दिन लगेगा लेकिन 5-10 मिनट तो लेगा ना, वो तो इंस्टेंट है, 15 सेकंड ले लेगा अभी फ़िलहाल के लिए, वो 15 सेकंड ले रहा है अराउंड, उससे कम ले रहा है, 15 सेकंड तक ले रहा है। तो 15 सेकंड में क्या ह्यूमनली पॉसिबल है कि एक ऐसा वेब पेज बना दे जो रिस्पॉन्सिव भी हो, डिज़ाइन भी उसमें लेटेस्ट हो, सारे जो एक्सेसिबिलिटी के टैग्स हैं वो भी सारे पक्के लगे हुए हों, बेहतरीन ज़बरदस्त, पढ़ा है ना हमने एक्सेसिबिलिटी डिस्कस किया था जो हमने, सिमेंटिक टैग भी सारे बेहतरीन उसमें लगे हुए हों, सारी रेगुलेशंस पे पूरा उतरता हो वो, जितनी भी रेगुलेशंस है ना वो विजुअली इम्पेयर्ड और ये वो यूरोप वगैरह में रेगुलेशंस हैं कि कोई वेबसाइट अगर आप लॉन्च करते हैं ना पब्लिकली, तो वो अंधे बहरे गूंगे जो अफराद हैं उनके लिए एक्सेसिबिलिटी उसमें होनी चाहिए, वरना उसको सर्टेन सर्टिफिकेशन उसको नहीं मिलती हैं, तो वो सारी उसमें लगी हुई हो और करे भी इंस्टेंटली, मतलब 10 से 15 सेकंड में जवाब लेके आ जाए, तो फिर एक ह्यूमन का और चैट जीपीटी का फिर क्या मुकाबला है? मेरा ये मानना है कि इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता चैट जीपीटी अभी तक, लेकिन क्या रीज़न है वो मैं भी शेयर करूंगा कि मेरा मेरा क्या मानना है, लेकिन आप लोगों से ऐसे ब्रेन स्टॉर्मिंग का सवाल है ये कि क्या लगता है आपको, ऐसी क्या चीज़ ह्यूमन में है जो चैट जीपीटी में नहीं है ना? रिप्लेस करने में देखो, सिर्फ कोडिंग, अगर सिर्फ कोडिंग की बात है ना तो आपको गली का कुत्ता भी रिप्लेस कर देगा, वही वाली बात है, सही है। तो कोडिंग तो साइड पे हो गया, आप लोग 1 साल से यहाँ पर कोडिंग अभी सीखेंगे, 1 साल बाद आप निकलेंगे और चैट जीपीटी आपसे बेहतर करके दे रहा होगा, अब क्या बचा पीछे? नहीं, उसको बिल्कुल पता है सामने वाले की क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे कैसे पता, मुझे कैसे नहीं, एक ये भी तो सवाल है ना कि मैं एज अ फ्रीलांसर फाइवर पे या अपवर्क पे जाता हूँ या किसी फिजिकल क्लाइंट के पास जाता हूँ, तो मुझे कैसे पता कि सामने वाले की क्या रिक्वायरमेंट है, ये इंसान कैसे समझता है बताओ? वो बात करता है, रिटन राइटिंग में देता है ना वो मुझे, या तो चैट करता है या तो कॉल पे आ जाता है, कॉल पे आके बता रहा होता है, तो बोल रहा तो वो है ना स्टिल, तो वो मुझे बताने के बजाय चैट जीपीटी को बता देगा। नहीं तो वो, हाँ चलो तुमने सही बात की है, इन्होंने कहा कि यार सम टाइम क्या होता है कि ह्यूमन आधी बात ही सुन के पूरी बात समझ जाता है ना, कोई बंदा कह रहा है कि मुझे एक सोशल मीडिया ऐप चाहिए, तो मतलब एज अ एक्सपीरियंस फ्रीलांसर मैं उसमें चीज़ें ऐड कर दूंगा, वैल्यू ऐड करके उसको दूंगा, मैं कहूँगा यार ये भी लगा दो, अच्छा OTP भी लगा दो इसमें, ये भी लगा दो, वो मैं उसको बता दूंगा, बट अगर जितनी वो कह रहा है ना उतना भी उसको अगर मिल जाए और इंस्टेंट बना के मिल जाए, तो वैल्यू ऐड
ना भी हो तो उसके लिए खैर है, अगर इस तरह की वैल्यू ऐड ना भी हो तो भी खैर है, क्योंकि जो एंटरप्राइज है वो तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे चलता है ना। कस्टमर का फीडबैक आएगा तो अगली आइट्रेशन में वो चैट जीपीटी से वो काम करवा लेगा, कस्टमर का फीडबैक तो आएगा ना। तो ऐसी क्या चीज़ है जो अच्छा, ये डिस्कशन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं कि आप लोगों ने किस चीज़ पे तवज्जो देनी है। जी नहीं, नहीं करता है, अभी भी करता है भाई। मैं अभी उसको बोलेंगे ना कि यार एक आप कोड लिखो जो दो वेरिएबल को प्लस कर देता हूँ, तो उसने कोड लिख के दिया। अब उसके फर्दर आप उससे बोलोगे ना कि यार इसके अंदर ना वैलिडेशन भी लगाओ कि वो जो इनपुट आ रहा है वो नंबर है या नहीं है। हाँ, पूरा कोड डालना पड़ेगा। दोस्त ने कहा कि अगर आपने कोई वेबसाइट उससे बनवा ली है, इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर बनवा लिया है, तो आपको वो फर्दर एडिट अगर करना है 3 महीने बाद, तो वो चैट जीपीटी नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि कर सकता है, वो इसलिए कर सकता है क्योंकि अभी जो नया वाला वर्जन है उसका जो कॉन्टेक्स्ट का साइज है वो 32K है, उसका 32K है। मतलब क्या है कि जैसे चैट जीपीटी में होता है ना कि आप जब उससे कंटिन्यूसली बात कर रहे होते हैं तो पीछे के जो कुछ जो लाइनें बात हुई हुई हैं वो याद रखता है उसको, और उसके कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहा होता है। ऐसा ही है ना, आपने उसको कह दिया रिमेंबर माई नेम इज़ मलिक, अब आपने 10-12 स्टेप्स के बाद पूछा ना कि वॉट इज़ माई नेम, तो वो बताएगा क्योंकि वो उसको कॉन्टेक्स्ट में रखता है। या मैंने अगर उसको कोई ट्रेनिंग डेटा देना होता है समटाइम, तो ट्रेनिंग डेटा में क्या कहते हैं, जैसे मैं रेस्टोरेंट का चैटबॉट बना रहा हूँ तो मैं कहता हूँ उसको शुरू में कि रेस्टोरेंट का पूरा मेन्यू उसको राइटिंग में लिख के देता हूँ मैं, पैसे वैसे डिशों के नाम ये वो एक्स वाई जेड सब कुछ, और मैं कहता हूँ कि प्रिटेंड यू आर अ रेस्टोरेंट फ्रंट डेस्क या रेस्टोरेंट वेटर और टॉक टू द पर्सन। अब उससे आप पूछेंगे ना कि यार निहारी कितने की है, तो वो उसमें से देख के बताता है। तो दैट पार्ट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट। तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो 32,000 है, तो 32,000 लाइन ऑफ कोड ना आप इसको दे सकते हैं कि यार ये मेरा पहले का लिखा हुआ कोड है, इसमें जो है ना फर्दर ये चीज़ ऐड कर दो। अच्छा, तो ये अभी एक साल के अंदर अंदर हुआ है सारा कुछ, के क्या कहते हैं 3K था पता नहीं या 1K था, उससे ये 32K पे पहुँच गया। तो आपको क्या लगता है कि अगले एक साल में ये 100K पे नहीं पहुँच जाएगा? आप लोगों ने जितना भी अभी तक लाइन ऑफ कोड लिखा है इस क्लास के अंदर, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 लाइन का कोड लिखा होगा, 2,000 लाइन का लिखा होगा कोड, उससे ज़्यादा तो नहीं लिखा। तो वो तो 32,000 लाइन ऑफ कोड ना उसको आप दे सकते हैं कि यार इसमें फर्दर ये चीज़ ऐड कर दो। अब एक ह्यूमन डेवलपर क्या ऐसी चीज़ ऐड करेगा कि चैट जीपीटी उसको रिप्लेस ना कर सके? अच्छा, दोस्त ने कहा कि चैट जीपीटी जैसी ऐप अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर बना रहा हो तो वो रिप्लेस नहीं होगा फिलहाल के लिए। हाँ, सही बात है, लेकिन हम सब लोग चैट जीपीटी जैसी ऐप बनाना तो नहीं शुरू कर देंगे ना ऑब्वियसली, वो तो क्योंकि उसको ट्रेन करना बनाना वो तो बड़ा बड़ी कंपनीज का काम है। वो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है सिर्फ जो अगर आप में हो ना तो आपको कोई भी मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती, ठीक है, वो है नॉवेल प्रॉब्लम्स। नॉवेल प्रॉब्लम किस चीज़ को कहते हैं? ऐसी प्रॉब्लम जो आज से पहले कभी ना आई हो। क्योंकि चैट जीपीटी जैसा जो सॉफ्टवेयर है या कोई भी एआई है, उसको ट्रेनिंग डेटा देना होता है। ट्रेनिंग डेटा में वही चीज़ें दे सकते हैं जो पहले हो चुका है। जो उस समय कह रहा हूँ ना कि एक ऐसा कोड लिखो जावास्क्रिप्ट का जो दो वेरिएबल को प्लस कर दे, वो पहले लिखा हुआ इंटरनेट पे किसी ने, उसकी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, वहाँ से वो देख के ला रहा है, टोकनाइजेशन कर रहा है उसकी वो। लेकिन कोई ऐसा प्रॉब्लम जो आज से पहले नहीं हुआ, वो उसको कहते हैं नॉवेल प्रॉब्लम्स, या जो भी उसके लिए टर्म यूज़ होती है, पता नहीं नॉवेल में सही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ या नहीं। वो वाली जो प्रॉब्लम है ना, उसके लिए एक ह्यूमन चाहिए क्रिएटिविटी के लिए। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल है ना, जो नॉवेल प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल है, उसके लिए ह्यूमन की ज़रूरत है। अच्छा, अब आपके लिए चैलेंज क्या है?
चैट जीपीटी के आने के बाद जो आप सब लोग एज अ वेब डेवलपर यहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पहले क्या होता था कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो था ना, आप अगर उसको 1 से 100 पे स्केल करें ना, अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के एक एक्सपीरियंस को या एक्सपोजर को आप 1 से लेके 100 पे स्केल करें कि भाई जो मतलब एक वो बंदा जो चैट जीपीटी जैसा सॉफ्टवेयर बना रहा है या जो लाइब्रेरीज लिख रहा है, जो जो बड़ी कंपनी के बड़े सॉफ्टवेयर्स को रन कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस 20 साल का एक्सपीरियंस है, उसको हम 100 पे रखे हैं अगर, और एक बंदा जिसको कुछ भी नहीं आता उसको हम 0 पे रखें, तो इस स्केल में ना अभी तक क्या हो रहा था कि अगर इस स्केल में आप 2 या 3 या 4 पे भी पहुंच गए तो आपको फौरन इंटर्नशिप मिल जाती थी, जॉब मिल जाती थी। इन नियर फ्यूचर ऐसा नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि वो जो 3-4 स्टेप वाला जो बंदा है ना, जो वो काम कर रहा होता है आमतौर पे, वो चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर कर देंगे। सही है, क्योंकि सिर्फ कोडिंग छोटे जो छोटू वाला काम करवाया जाता है ना आमतौर पे, जब आपको इंटर्नशिप मिलती है सॉफ्टवेयर हाउस में, तो आपसे ज़्यादातर वो छोटू वाला काम करवाते हैं, कोई केयर ये अच्छा ये स्क्रीन बना दो, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे अबाउट वगैरह की स्क्रीन होती है, उसमें इतना ज़्यादा लोग उसको ओपन भी नहीं करते, तो उस तरह की चीज़ें ज़्यादातर जूनियर डेवलपर से बनवाई जा रही होती है, या यूआई उसको दे देते हैं बनाने के लिए कि अच्छा यार ये यूआई बनाते रहो बैठ के, एट द एंड ऑफ द डे अगर वो अच्छी बन गई तो उसको शामिल कर लेते हैं, वरना डिस्कार्ड कर देते हैं, कहते हैं चलो यार अब कल दूसरी बनाना। तो इस तरह के काम हो रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो वाले सारे काम ना, अच्छा ये अभी फ़ौरन की बात नहीं कर रहा मैं, ये आज से 2 साल बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तो चैट जीपीटी को बिला वजह हाइप दिया हुआ प्रेस ने, अभी तो बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है, मैं इतना प्रेस ने हाइप दिया हुआ था, मैंने उसका इवेंट देखा, मैं तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, जिस तरह लोगों ने बातें फैलाई हुई थी ना प्रेस में, ऐसा तो खैर कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, लेकिन हो जाएगा जी। ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं ना, ले मैन के लिए ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं उसको। दोस्त ने कहा कि अगर आपको पता हो ना कि वेबसाइट में क्या क्या होता है, मिसाल के तौर पे एक बैनर पे फोटो आ रही होती है जो ऐसे आगे जा रही होती है, उसको क्या बोलते हैं? एक आम बंदे को तो नहीं पता, ठीक है, बट उसको वो ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं ना आम बंदे के लिए, तो वो अल्टीमेटली आम बंदे को नहीं भी पता होगा तो वो भी समझा देगा ना। मुझे भी तो क्लाइंट कुछ ना कुछ बोल के समझाता है ना, जब भी तो मैं समझता हूँ कि अच्छा ये स्लाइडर की बात कर रहे हैं, इमेज स्लाइडर की बात कर रहे हैं ना, तो वो तो ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं उसको आम लोगों के लिए। लेकिन वेल अभी वो जितनी प्रेस ने बातें की थी उससे तो मैं तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ जब मैंने उसका वो देखा ना, तो वो कि भाई वो फला चीज़ की डेफिनेशन ए से लिख दो बी से लिख दो, वही उनका एंड है अभी तो फिलहाल के लिए। लेकिन ये रुके थोड़ी है यहाँ पे, ये तो 6 महीने की प्रोग्रेस है इनकी, 6 महीने साल की प्रोग्रेस है, अभी तो ये अगले 5 साल पर ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। और फिर इन्होंने जो चीज़ इनिशिएट कर दी है ना इन्होंने, अब ये जितने बड़े बड़े जायंट्स हैं ये सब अपना इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर देंगे। अभी तो आपको सिर्फ गूगल ने बार्ड ने जल्दबाजी कर दी, उसने अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन आपको क्या लगता है कि फेसबुक इस पर काम नहीं कर रहा? फेसबुक ने रिसेंटली अभी वाइट पेपर रिलीज़ किया है, LLMDA करके उनका है, तो क्या कहते हैं AWS क्या इस पर काम नहीं कर रहा? अलीबाबा इस पर काम नहीं कर रहा? ये तो बहुत सारे, हवावे का भी अपना क्लाउड है, हवावे बहुत बड़ी कंपनी है इस वक्त, वो भी बनाएगी अपना ये वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सिर्फ ये अकेले नहीं है अब ये तो पहले कूद गया ना मार्केट में, अभी तो ये एप्पल वाले बनाएंगे अपना, ये तो हर चीज़ में आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, थोड़ी देर से आते हैं लेकिन आते हैं। तो और भी इतनी सारी कंपनीज हैं यार जिनका क्या कहते हैं, हमें पता नहीं होता हर कंपनी का, लेकिन जाहिर है बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्लाउड में काम कर रही है, जो सॉफ्टवेयर पर काम कर रही हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका हमें नाम भी नहीं पता होता लेकिन वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे होते हैं। जैसे सेल्सफोर्स का आपने नाम सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो वो एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और बहुत बड़ी कंपनी है वो, लेकिन वो चूँकि सप्लाई चेन वगैरह से मुतालिक काम होता है उनका, तो आमतौर पर हर डेवलपर को जिक्र नहीं होता उसका। तो उनका अपना क्लाउड है, हरिको उन्होंने ख़रीद लिया था, हरिको एक क्लाउड था हमारा, उन्होंने ख़रीद लिया वो, तो उनके पास अब हरिको के नाम से एक क्लाउड मौजूद है, और वो एक्चुअल में वो क्योंकि सॉफ्टवेयर की कंपनी है वो, तो वो भी AI वगैरह सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कैसे फास्ट किया जाए, कैसे क्या किया जाए, उसमें वो लगे हुए हैं, तो वो भी अपना इस तरह का लाएंगे डेटा,
उनके पास डेटा भी मुख्तलिफ तरह का है, उनके पास डेटा है सप्लाई चेन वाला डेटा कि क्या चीज़ में कितनी कॉस्ट आती है, कहाँ भेजने से क्या होता है, कौन सा प्रोडक्ट कितने में मैनुफैक्चर करें तो कितना फ़ायदा होता है उसमें, समझ रहे हो, ये वाला सारा डेटा है उनके पास। तो अभी तो खैर मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूँ चैट जीपीटी 4 के आने से, जो मैंने सोचा हुआ था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, या जो प्रेस ने सोचा हुआ था वो भी नहीं हुआ। तो वेल तो एक ह्यूमन के अंदर जो एक क्रिएटिविटी होती है ना, और ह्यूमन के अंदर जो एक एम्पैथी होती है, एक जगह मैं जनीवा में कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था तो वहाँ पे मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार आपको पता है कि कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो कंप्यूटर कभी भी अचीव नहीं कर सकता। तो मैंने 2-4 तुक्के लगाए तो वो कह रहा है नो। मैंने कहा यार चल तू बता दे भाई फिर। तो उसने कहा कि ट्रू एम्पथी, कंप्यूटर कैन नेवर अचीव ट्रू एम्पथी। तो मैंने कहा कैसे एम्पथी, समझ रहे हो ना, एम्पथी का मतलब होता है कि जैसे अगर मुझे सुई चुभेगी तो मुझे क्या फील होगा, हाँ मतलब किसी बंदे का हाथ अगर कट गया है तो आप ऐसे कहें ना, अरे हाथ कट गया इसका, वाय, क्योंकि आपको पता है कि हाथ कटने का क्या मतलब होता है, हाथ कटना क्या होता है आपको पता ही बात, सही है, या किसी बंदे का हाथ जल गया तो यू नो कि जलने में कितनी तकलीफ होती है ना, तो दिस इज एम्पथी ना। तो एम्पथाइज कभी भी नहीं कर सकता कंप्यूटर हमें, किसी हद तक शायद कर भी ले, लेकिन ट्रू एम्पथी नहीं होगी, वो हमें मिमिक करेगा जस्ट कि भाई एक फला टाइप की खुशबू आए ना तो आपने ना हैप्पी हो जाना है, उसको ट्रेन करना पड़ेगा, लेकिन दैट इज़ नॉट ट्रू, ट्रू एम्पथी नहीं है वो। अगर किसी बंदे की सांस रोकी जाए तो उसको कैसा फील होता है, कंप्यूटर कभी भी नहीं जान सकता ये, ट्रू एम्पथी कैन नॉट अचीव। तो मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही की है तूने। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ये सारा जो आपका आप कह लें कि वेब डेवलपमेंट कह लें, या जो अल्टीमेटली तो ये कम्युनिकेशन की बात है ना, क्योंकि वी एज अ ह्यूमन वी आर स्टोरी टेलर्स, वी आर स्टोरी टेलिंग एनिमल्स, बायोलॉजिकली तो हम एनिमल ही है ना, लेकिन जो बाकी एनिमल्स हैं और हम में बायोलॉजिकल डिफरेंस तो है, सही है, लेकिन अल्टीमेटली हम हैं वही उसी कैटेगरी के एनिमल्स हैं, हमारे भी पैर हैं, हाथ हैं, उनके भी हैं, हमारा भी एक सर है उसके अंदर दिमाग है और एक मुंह है उससे कुछ ना कुछ आवाज़ निकालते हैं, पैर से चलते हैं, ठीक है, बीच में डाइजेस्टिव सिस्टम है, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो सारा वही एनिमल्स में जो होता है वही है, बट जो इंटेलेक्चुअल ग्राउंड के ऊपर हमारा जो उनसे मेन डिफरेंस है ना वो स्टोरी टेलिंग है, वी आर स्टोरी टेलर्स, हम अपनी कहानी दूसरे को बताते हैं, इशारों से बताते हैं, या कभी कुछ सिम्बॉलिक तरीके से बताते हैं, या कभी गार केव्स में दीवारों पे लिख के बताते हैं, कभी बुक्स से के ज़रिए बताते हैं, कभी वीडियो के ज़रिए बताते हैं, कि जो वीडियो यूट्यूब में जो सारी वीडियोज़ है वो क्या है, वो स्टोरी है, किसी ना किसी की स्टोरी है। तो वी एज अ ह्यूमन वी आर स्टोरी टेलिंग एनिमल्स, और हम अपनी स्टोरी दूसरों को बताना पसंद करते हैं और दूसरे की स्टोरी सुनना भी पसंद करते हैं, बताने से ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो मूवीज़ देखते हैं वो किसी की स्टोरी होती है, या तो रियल होती है या तो फिक्शनाइज की भी होती है, लेकिन किसी की स्टोरी होती है, तो सुनने वाली ऑडियंस की बहुत बड़ी तादाद है, वो बताने वाले तो फिर भी कम है, हर कोई अपनी स्टोरी बता नहीं पाता, वो स्टोरी टेलिंग भी एक आर्ट है जो हर किसी में नहीं होता, वो कुछ गॉड गिफ्टेड होता है लोग कहते हैं ऐसा। तो ये जितना भी मैं आपको रूट बता रहा हूँ कि ये वेब डेवलपमेंट की रूट क्या है, अगर हम बहुत पीछे जाएंगे इसके, क्योंकि हमने डिज़ाइन की भी डिस्कशन की है इस क्लास में, है ना, डिज़ाइन हम डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज़ डिज़ाइन, तो ये डिज़ाइन और ये जो सारी चीज वेब डेवलपमेंट पीछे डिज़ाइन पे जाएगा, डिज़ाइन के पीछे अब और जाएंगे तो ये कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन की बात है सारी, कि ह्यूमन जब जो शुरू वाले ह्यूमन थे, जो भी जिसको भी शुरू मानता है जो भी, ठीक है, ये शुरू वाले ह्यूमन में भी तजाद है भाई, दबे कुछ कहते नहीं हज़रत आदम से शुरू हुआ, कुछ कहते नहीं और पहले से हुआ, कुछ कहते नहीं निंद्राल फैमिली से शुरू हुआ, कुछ कहते नहीं उससे भी पहले कुछ लोग थे, तो ये शुरू वाले में इख्तलाफ है साइंस की कम्युनिटी में, तो
क्या कहते हैं, जो जो भी जिसको भी शुरू मानता है वो उनका जो हलक का स्ट्रक्चर है ना, जो भी जितनी भी खोपड़ियां आज तक मिली हैं उनके हलक के स्ट्रक्चर को देख के ही बताया जा सकता है कुछ आवाज़ निकालते थे, कुछ बोलते थे। और आवाज़ निकालने का क्या मकसद है, किसी को कुछ बताना ही मकसद होता है या किसी से कुछ सुनना। तो फिर वो गार में भी लिखा हुआ मिला है सब कुछ। तो ह्यूमन ना शुरू से एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते थे। तो ये जो जितनी भी टेक्नोलॉजी आप इस वक्त देख रहे हैं ना, ये उसी ख्वाहिश का नतीजा है, उसी विश का नतीजा है। ह्यूमन की एक विश थी कि हर हम एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को कुछ बोलें, कुछ सुने एक दूसरे से। तो ये उसी विश का नतीजा है। ये सारी टेक्नोलॉजी जितनी भी आज आप देख रहे हैं, चाहे वो हवाई जहाज़ हो, चाहे वो गाड़ियाँ हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो ये पंखा हो लगा हुआ, चाहे वो मोबाइल डिवाइसेस हो, आपको शायद पता नहीं आप ये रियलाइज़ कर पाएँ या नहीं पाएँ, लेकिन इन सब चीज़ों का भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा तो शायद आप मज़ीद गेट कर पाएँ उसको। आपको सोचेंगे यार पंखे का क्या ताल्लुक है बातें करने से। तो अब मिसाल के तौर पे जो इंटरनेट जो इन्वेंट हुआ, वो क्यों इन्वेंट हुआ, वो इसीलिए हुआ ना कि अगर कोई बंदा मेरे चार गली आगे रहता है तो उससे मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ। कम्युनिकेशन था इंटरनेट में, शुरू में टर्मिनल पे चलता था, बातें होती थी इंटरनेट से, लोग बात करते थे, आईपी एड्रेस एक दूसरे से शेयर करते थे फ़ोन पे जैसे करते हैं आज हम, और बात करते थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इस कम्युनिकेशन को और बेहतर बनाया जाए, और बेहतर बनाया जाए, ऐसा लगे कि मैं बंदे के पास ही बैठा हूँ। तो वो आप देखें इंटरनेट का एवोल्यूशन पूरा इस चीज़ के गिर्द घूमता है, इस कम्युनिकेशन के अराउंड घूमता हुआ नज़र आएगा आपको। कंप्यूटर की जितनी भी टेक्नोलॉजी आज तक आप आई है ना, आप सबको उठा के देख लें, इसी के गिर्द घूम रहा होगा कि ह्यूमन ये चाह रहा है कि मैं कम्युनिकेट करूं किसी दूसरे बंदे से जो मेरे पास मौजूद नहीं है, और मुझे ऐसा लगे कि मैं वहीं बैठा हुआ उस बंदे के पास, उस बंदे की खुशबू भी आ रही है, उस बंदे से बात करूं तो उसको आवाज़ भी जा रही हो रियल टाइम में, उसकी आवाज़ भी सुन रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कॉल से लेके, वीडियो कॉल से लेके, मेटावर्स से लेके, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी AR VR है, सब में यही कुछ है, सब में यही है। अच्छा, फिर आप दूसरी तरफ से देखें कि ये जो हवाई जहाज़ और ट्रेन और ये ट्रैवल को फास्ट बनाना, इसका क्या मतलब है? इसका और कोई मतलब नहीं है, इसका यही मतलब है कि ह्यूमन एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहते हैं। ह्यूमन एक दूसरे से मानूस होते हैं, वो कभी भी एक मशीन से मानूस नहीं होगा, एक ह्यूमन हमेशा एक ह्यूमन से ही होगा। ये एक ह्यूमन के अंदर ये चीज़ है जो कभी भी मशीन में नहीं आ सकती, क्योंकि एज अ ह्यूमन ना आप ChatGPT से जितनी भी बातें कर लें, लेकिन किसी बंदे से बात करने वाली बात कभी भी उसमें नहीं आएगी। हाँ, उसको बुरा ही नहीं लगेगा ना अच्छा लगेगा, ना उसकी कोई खुद की पर्सनैलिटी है, ना उसका कोई खुद का कोई व्यू है उसका। इसको तो वैसे अभी न्यूट्रल करने के चक्कर में उन्होंने पता नहीं कितने पापड़ बेले हैं। वो इवेंट में आधा टाइम तो वो ये बोलता रहा है कि हमने इसको 6 महीने तक इस पर बोला है कि यार ये बुली नहीं करेगा किसी को, ये कोई काले गोरे की बात नहीं करेगा, ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेगा, किसी बंदे के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। इस इतनी सारी उसमें वो रिस्ट्रिक्शन की लेयर्स लगाई हुई हैं ताकि वो ये बातें ना करें, है ना। तो इसको सर रोका है जानबूझ के कि ये जर्नलाइज बात करें बिल्कुल, जो किसी भी रेस को, किसी भी रिलीजन को वो बात बुरी ना लग जाए। जो मास कम्युनिकेशन का रूल होता है कि जब आप मासेस से कम्युनिकेट करते हो, तो मैं जैसे किसी बंदे से, मैं अपने किसी दोस्त से व्हाट्सएप पे जब बात करता हूँ तो वो वाली चीज़ कभी भी ChatGPT में नहीं आएगी। ChatGPT को मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं जस्ट एज अ गूगल सर्च उसको यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट अ मशीन, जस्ट लाइक अ मशीन उसको यूज़ कर रहा हूँ। ज़रूरत पड़ने पे मैं उससे बात करता हूँ और मैं अपना जवाब लेता हूँ, ख़त्म बात। मुझे पता है पीछे कुछ नहीं है इसके, पत्थर है पीछे, कुछ भी नहीं है, पत्थर से सर मारने वाली बात है। तो ह्यूमन हमेशा एक ह्यूमन से मानूस होता है, ह्यूमन ही दूसरे ह्यूमन की जो ट्रू एम्पथी है ना उसको समझ सकता है। तो ह्यूमन ने एक दूसरे को अपनी स्टोरी बताई। अच्छा, एक दूसरे की स्टोरी में क्या था, वो कुछ लोगों की अच्छे मोमेंट्स थे, कह रहा ये अच्छा मोमेंट हुआ मेरे साथ, वो लिख के उसने दूसरे को बताया या बोल के बताया। कुछ लोगों ने अपने दुख दर्द शेयर किए, कह यार हमें ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ ये होता है, हमारे साथ ये होता है, दुख भरी दास्तानें भी आपको पता है शायरी में भी हर तरह की चीज़ आपको मिलेगी, दुख भरी दास्तानें भी मिलेंगी, लोगों की प्रॉब्लम्स लोगों की आपको मिलेंगी उसमें, कि यार ये हो गया हमारे साथ, ये हो गया। और कुछ लोगों के अच्छे मोमेंट्स मिलेंगे, हैप्पी मोमेंट्स मिलेंगे। तो जब एक ह्यूमन के दूसरे ह्यूमन ने जब ये पढ़ा ना दुख दर्द, तो उसने कहा यार, वो उसने एम्पेथाइज कर लिया ना उसको, कि अरे यार ये लोग सारे मिलके जब बैठते हैं
फला जगह मिलाद में तो वहाँ पे बड़ी गर्मी होती है। उसने कहा कुछ करना पड़ेगा इसका, तो ये पंखे एसी ये सारे ये उसका नतीजा है, ये सब स्टोरी टेलिंग का नतीजा है कि किसी बंदे ने एम्पेथाइज कर लिया ट्रूली कि यार नहीं यार इन पर बड़ा मुश्किल टाइम गुजर रहा है इनके ऊपर, तो उसका क्या करें, कुछ तो करें। तो अभी आप देखें रॉकेट वॉकेट जितने बन रहे हैं ना, ये भी सारा इसी का नतीजा है कि जहाँ पे जो एटमॉस्फेयर जो पॉल्यूटेड होता जा रहा है हमारा, ऐसा मानना है साइंटिस्ट का। तो लेकिन हमारे यहाँ का जो पॉल्यूशन है इसकी तो हमें आदत है ना, लेकिन आप कहीं कराची से ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी में आप जब जाएंगे तो आपको फिर आइडिया होगा कि नहीं यार ये वाकई मसला है। जैसे चाइना की कुछ सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं, वहाँ पे लोग आमतौर पर मास्क लगाए बगैर नहीं घूमते वरना तबीयत ख़राब हो जाती है। चाइना के अंदर आपको वो एयर प्योरीफिकेशन वाले डिवाइसेस भी मिलेंगी, वो यहाँ आपने कभी नहीं देखी होगी। वो इतना बड़ा सा डब्बा होता है यूँ, जैसे ऐसा लगता है कि वो टेबल चेयर पड़ा हुआ है, स्टूल जो होती है ना स्टूल टाइप की जो चेयर है वैसे स्टूल टाइप का होता है, वो जूम शोर करता रहता है। और उसका काम ये होता है कि कमरे की सारी एयर को खींचता है अपने अंदर, उसके में फ़िल्टर लगा होता है, फ़िल्टर से दोबारा फ़िल्टर करके बाहर निकालता है, ये उसका काम होता है। ना वो ठंडा करता है ना गर्म, कुछ भी नहीं करता, वो जस्ट एयर प्योरीफिकेशन होती है बस। एयर प्योरीफायर लिखोगे ना आ जाएगा, चाइना में दिखेंगी वो डिवाइसेस और कहीं नहीं दिखेगी आपको। तो या आप न्यूयॉर्क वगैरह का चक्कर लगे आपका कभी, तो वहाँ पे आप जाएंगे ना तो वहाँ गलियों में एक अजीब किस्म की बदबू है जो यहाँ आपको नहीं फील होगी। वो हर जगह बदबूदार शहर है, सबसे दुनिया का सबसे बदबूदार शहर है वो, ठीक है। या आप कभी जनीवा वगैरह स्विट्ज़रलैंड वगैरह या कोई ठंडे इलाके में आप जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे ना जैसे पानी बॉयल होता है तो कैसी एक बू आती है, वैसी बू हर तरफ मिलेगी आपको। जो क्योंकि वहाँ पे गटर को पैक नहीं कर सकते लोग, गर्म पानी से नहाते हैं या गर्म पानी यूज़ करते हैं घरों में, तो वो नाले में सारा गर्म गर्म पानी होता है, तो जगह जगह उन्होंने ग्रिल बनाई होती कि वो निकल जाए बाहर, वरना तो फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा वरना। तो वो हर जगह पे ना वो स्टीम की एक बू आपको आती रहेगी हर जगह पूरे शहर में, समझ लो। तो ये मतलब एक ह्यूमन को एक ह्यूमन ही ट्रूली एम्पेथाइज कर सकता है। तो सिर्फ पॉइंट अब ये सारी गुफ्तगू का क्या है कि ये दिस इज़ वेरी ह्यूमन थिंग जो मैंने आपसे अभी डिस्कस की है सारी बातें। तो आप आज से कुछ अरसे पहले तक सिर्फ कोडिंग सीखना ना जॉब पकड़ने के लिए काफ़ी था, आप लोगों के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। अब वो सारा जो छोटू वाला काम है ना वो तो ये करेगा, तो सिर्फ कोडिंग सीखना अब काफ़ी नहीं है, ठीक है। अब कोडिंग की जो जॉब है ना वो या तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला बंदा हो जो पहले नहीं आए, प्रॉब्लम नए प्रॉब्लम्स हैं और ऐसे प्रॉब्लम भरे पड़े हैं, प्रॉब्लम है ही सारे वो वाले जो पहले नहीं आए। जो पहले आ गए वो तो छोटू कर लेता है, वो इंटरनेट से गूगल करेगा कर लेगा, अब गूगल करना आसान हो गया तो और जल्दी कर लेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम भरे पड़े हैं, ये नहीं आप समझेंगे कोई शायद पता नहीं कौन तुर्रम खान होगा वो करेगा। तो अब आपको ना शायद जो जीरो से लेके हंड्रेड तक का मैंने स्केल बताया था उसमें शायद आपको 20 तक जाना पड़ेगा जॉब पकड़ने के लिए प्रॉपर। और ये मैं आज से 2 साल बाद की बात कर रहा हूँ, अभी फौरी तौर पर बात नहीं कर रहा, अभी फौरी तौर पर तो आप लोगों को जॉब मिल जाएंगी लेकिन ये जॉब ख़त्म भी हो जाएगी 2 साल बाद अगर आपने अपने 20 तक नहीं पहुँचाया अपने आपको, तो क्योंकि छोटू वाला काम तो नहीं करवाना ना आप किसी ह्यूमन से, छोटू वाला काम तो ये करेगा। तो आपको ना सिर्फ कोडिंग में 20 के स्केल तक जाना है बल्कि अपनी ह्यूमन स्किल को भी इम्प्रूव करना है, अपनी ह्यूमन स्किल जो है ना उसको इम्प्रूव करना है। अच्छा, जैसा कि जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको दी थी वो उसका रीज़न यही था, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी सैलानी में क्लासेस होती है ना इसमें प्रेजेंटेशन वगैरह बीच में रखी जाती हैं, हर एक आध महीने बाद कोई एक प्रेजेंटेशन रखी जाती है, उसका मेन रीज़न यही होता है ताकि आपकी ना स्किल भी पॉलिश हो। आपको यहाँ पे खड़े होकर ना बोलना है, बात करना है, अपनी बात को कन्वे करना है, तो क्या कहते हैं, और अच्छे से आप ना जो सॉफ्ट स्किल है सारी कि अच्छे से ड्रेसिंग करके आप यहाँ पे आके खड़े होंगे, आप बात करेंगे लोगों से, एक बात आप लोगों को समझाएंगे, तो इससे आपकी बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स हैं ना, ये ह्यूमन स्किल्स हैं सारी, वो इम्प्रूव होगी आपकी, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग जाहिर है ये तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की क्लास है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग इतनी ज़्यादा नहीं सिखाई जा सकती आपको, लेकिन आपने अलग से स्टडी करनी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे की जाती है। अच्छा, ह्यूमन बाई नेचर प्रॉब्लम सॉल्वर है, ह्यूमन जो है ना बाई नेचर प्रॉब्लम सॉल्वर है, कि वो जैसे हम उसको स्लैंग में कहते हैं कि कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल ही लेता है बंदा, है ना। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालने वाली जो स्किल है ना इसको भी इम्प्रूव करना है आपने। तो ये जो सारी ह्यूमन स्किल है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है,
दो साल बाद आज से, ठीक है, अगर ये वाली ह्यूमन स्किल्स आप में नहीं होंगी तो आप रिप्लेस हो जाएंगे, आपको कंप्यूटर रिप्लेस कर देगा। सही है। अच्छा, तो ये तो आपको हो गई थोड़ी सी आज की बात,